नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। टिहरी पहुंची प्रियंका गांधी, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच गई हैं। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी यहां उन महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान बदसलूकी हुई थी। प्रियंका उस महिला से भी मुलाकात करेंगी जिनकी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान साड़ी खींची गई थी। दरअसल पसंगवा ब्लॉक में जब सपा उम्मीदवार ऋतु सिंह ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन भरने जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी और साड़ी खींचने की हरकत की। इस घटना के बाद संबंधित क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सीओ पसंगवा, थाना प्रभारी, निरीक्षक, चौकी प्रभारी, एक निरीक्षक और तीन उप निरीक्षक समेत कुल 6 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्रियंका जी, यहाँ की जो सांसद है रेखा वर्मा, महिलाओं का अधिकार मिलेगा और ये स्थिति आपने बना दी कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। आप एक दल से हटके सामाजिक सामाजिक प्रियंका जी आप क्या मांग करते हैं? यहाँ का चुनाव जल्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। हाई प्रोफाइल बीजेपी के सांसद आरोप, आप क्या कहेंगे? आप उनके क्या कहेंगे? एक महिला होकर ही उन्होंने महिला का जिस तरीके से जो भी इन लोगों के पीछे आए उनकी मौजूद, चाहे हाई प्रोफाइल हो लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन बंदों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितना भी ऊंचे, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव का कि ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल लें, उनको दिख रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए जी से चुनाव। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल नेता है ऐसा हुआ है वो होना जी, जो हाई प्रोफाइल रेखा वर्मा जी बीजेपी की सांसद है उन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने ऐसा, आप क्या कहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? इतना हाई प्रोफाइल नेता है, उनकी मौजूदगी में ये घटना हुई, उनकी वीडियो आए, उनकी मौजूदगी है। हाई प्रोफाइल हो लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने बंदों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितना भी ऊंचे, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव कर कि ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें, उनको दिख रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो, रद्द हो चुनाव, हर जगह ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी अपने लोगों को क्या संदेश दिया है बैठक की है?